आज की जो जनसुनवाई हुई उसके अंदर हमारे पास लगभग 16 केसेस आए थे, जिसमें से 4 केसेस डिस्कॉम के थे और 11 केसेस टाटा पावर के थे। इनमें से लाइन शिफ्टिंग के, मीटर चेंज के और करंट लीकेज के इस तरह के केसेस आए थे हमारे पास में, तो उनको हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के निर्देश दिए। जो करंट लीकेज का था वो आज ही रिजॉल्व होगा, और कुछ केसेस थे जिसके अंदर कि उपभोक्ता को अपने डिमांड नोट जैसे ज़्यादा आ गया या उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी टाटा पावर को निर्देश दिया है कि जल्दी इसको देख के इसका निस्तारण करें। इसी प्रकार हम लोग डिस्कॉम के लिए उपभोक्ता समस्या समाधान शिविर, हमने जो हमारा एजन ऑफिस है वहाँ पर हर मंगलवार को जीएसएस के ऊपर चालू करने जा रहे हैं, जो कि अगले मंगलवार से चालू हो जाएगा पूरे डिस्कॉम के अंदर। उसमें जो हमारे उपभोक्ता हैं, ग्रामीण उपभोक्ता हैं, जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनको राहत देने के लिए किया जा रहा है। तो उसमें उनके बिल करेक्शन, मीटर चेंज, लूज लाइन, इस तरह के जो भी उनके केसेस आएंगे, ट्रांसफार्मर जलना नहीं बदलना, वो सारे केसेस तुरंत निस्तारण करेंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। बिजली कटौती को लेकर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो आपको पावर पता है कि पूरे राजस्थान में या पूरे भारत में ही पावर क्राइसिस है, तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। जो रूरल में ज़्यादा कटौती हो रही थी उसको मैनेज करने के लिए हमने अर्बन में कटौती चालू कर दी है कल से ही। तो वो जो कटौती हम कर रहे हैं उससे रूरल के अंदर जो ज़्यादा कटौती उसको राहत दे रहे हैं, और सभी को पेपर में भी दे रहे हैं कि किस किस समय आपकी कटौती होगी, जिससे कि उपभोक्ताओं को पता चल सके कि हमारे इतने घंटे की कटौती इस समय होगी।